साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में किंक्ड सर्विक्स की जो प्रॉब्लम है, किंक्ड मतलब घुमी हुई मुड़ी हुई जो सर्विक्स है, एक्चुअली जो वाकई किंक्ड सर्विक्स होती है उसको हम किसको कहते हैं, जहां पर ये मुड़ करके एकदम से चिपक गई है और ये कई बार जेनिटल ऑर्गन में डिफेक्ट होने की वजह से फर्स्ट टाइमर में मिलती है और फिर वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है, प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन नॉर्मल भाषा में हम किंक्ड किसको कहते हैं, जो सर्विक्स में घुमाव होता है। देखो आप ऑर्गन के बारे में जानते हैं, यहां पर ये एक्सटर्नल ऑस है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके बता दूं एक बार के लिए, फिर हम अलग समझेंगे। यहां पर देखिए ये जो है ये एक्सटर्नल ओस है, यानी बाहर वाली ओस है। अगर हम इधर से शुरुआत से ही बात करें तो यहां से जो ही हम अंदर डालेंगे कुछ इस तरीके से दो ओपनिंग हमें मिलेगी, नीचे वाली यूरेथ्रल होगी, ऊपर वाली वेजिनल ओपनिंग होगी, इसके आगे हमें वेजाइना मिलेगी। यहां हमारी गन जो है, हम गन को लेंगे और गन को सीध हटा करके, और यहां जो हमारी गन है वो यूरेथ्रल ओपनिंग से, यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे रहेगी सॉरी, वेजिनल ओपनिंग से अंदर आएगी और अंदर आकर के ये जो जगह है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, इसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ओस कहा जाता है। तो इस एक्सटर्नल ओस में हमें पास करना होता है। ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और एक्चुअली गन पासिंग की जहां बात आती है ना, वहां सबसे बड़ा जो झमेला है वो सर्विक्स में ही होता है। और सर्विक्स में एक्चुअली कई बार क्या होता है कि यहां पर इसके आगे जस्ट इस तरीके से उभार मिलता है, फिर सिंपली आगे चलती है। तो ये जो उभार मिला है ना, ये उभार, इसको हम जो घुमाव है इसको कई बार किंग बोल देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इधर से जो ही हम गन पास करने का प्रयास करते हैं गन अंदर जाती नहीं है, और गन जब अंदर नहीं जाएगी सीमन सही जगह डिपॉजिट नहीं होगा। सही जगह कौन सी, ये जगह जिसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। बॉडी ऑफ यूट्रस में अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो भाई रिजल्ट कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। कई कहते हैं कि मिड सर्विक्स में छोड़ दीजिए, लेकिन मिड सर्विक्स में हमने जो अनुभव प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी मिलती है जब जो इंटरनल ऑस है, देखो ये जो छेद है सर्विक्स के बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर एक छिद्र और मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। तो इंटरनल ऑस को जस्ट पार करते ही, इंटरनल ऑस जैसे यह है, इसको जो ही पार किया यहां, यहीं पर सीमन डिपॉजिट किया जाता है, और यही वो सही जगह है। अगर यहां तक हम नहीं पहुंचे, हमारी गन नहीं पहुंची, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। अब आप बात करेंगे कि सर फिर भैंसे से कैसे होता है, भैंसा तो यहीं पर छोड़ देता है, ठीक है। तो वाकई भैंसा यहीं पर छोड़ देता है, लेकिन भैंसे के जो स्पर्म है उनकी गतिशीलता और उनकी जो संख्या है वो आपको पता है कि हमारी स्ट्रो से 200 से 500 गुना होती है, 200 से 500 गुना ज्यादा। इस वजह से वो उनमें पावर भी अच्छा देखा गया है, तो वो इजीली अंदर चले जाते हैं। किंग्ड सर्विक्स वाली को अगर गैबिन ठहराना होता है ना, कई बार आप बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हैं और गन पास नहीं होती। हालांकि गन पास करना, किंग्ड सर्विक्स का सॉल्यूशन करना, ये हम हमारे जो AIPD वाला सेक्शन है उसमें लेते हैं। और आने वाली 21 तारीख से AIPD की लाइव क्लासेस शुरू हो रही है रामावत एनिमल ऐप के वेट क्लास में, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो वहां चले जाइए, वहां ये सब चीजें आपको डिटेल से मिलेगी। और यहां जो ऑर्गन्स की फोटो है वहां आपको ओरिजिनल ऑर्गन्स में कैसे डाली जाती है ये आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकली समझाया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये आपने डिपॉजिट कर ली। अब बात करते हैं कि किंक्ड सर्विक्स का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको किस तरीके से करना है। तो एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है एपिडोसिन। देखो ये कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ पशु चिकित्सकों का विषय है। एपिडोसिन जिसमें वेल्थमेट ब्रोमाइड सॉल्ट होता है, इसको 10-10 ml 6-6 घंटे के गैप से लगाया जाता है। पशु चिकित्सक द्वारा ही लगवाना होता है, ये बहुत खतरनाक है। तो पशु चिकित्सक इसको लगवाते हैं 10-10 ml लगातार 6-6 घंटे के गैप से। तो पहला 10 ml लगा, फिर 6 घंटे बाद फिर से 10 ml लगा। AI जब भी हीट में आती है उसके पता होता है पिछली बार गन पास नहीं हुई थी तो किंग्ड सर्विक्स थी, तो वहां इसको दो बार लगवा करके फिर तीसरी बार जब भी लगाते हैं उसके 15-20 मिनट बाद
एआई कर दी जाती है और सफलता मिल ही जाती है। लेकिन ये गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक द्वारा ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी बहुत सारी शर्तें होती है, उनके अकॉर्डिंग ही इसका इस्तेमाल होता है। तो साधारण दया इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे करें? देखिए, कंप्लीटली केंग्ड होती है वहां, ये जो घुमाव मैंने आपको बताया ना, ये घुमाव एक्चुअली फिक्स हो जाता है। यानी आप अगर हाथ से प्रयास भी करेंगे ना, हाथ से चाहे कितना भी प्रयास कर ले, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाथ से होता ही नहीं है। जो ही गन डाली, जैसे मैं इधर खड़ा हूं तो ये इधर आई है, तो जो ही हमने यहां से पकड़ा और गन डाली, डाल करके यूं करेंगे तो ये चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ दो अंगुलियां, एक तरफ अंगूठा काम करता है। कई जो एआई वर्कर है वो चारों अंगुलियों से और अंगूठे से करते हैं और इस फोल्ड को सेट कर लेते हैं। वो एक्चुअली किंग्ड नहीं, फोल्डेड सर्विक्स होती है जो इजीली सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर एकदम से टाइट हो गया, ये किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जा रहा, कई बार यहाँ होता है और कई बार यही चीज़ यहाँ होती है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हो, ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ हो, कई बार ये कि ये जो चीज़ है वो यहाँ हो जाती है। यानी घुमाव जो पड़ा है वो इस एरिया में, सेकंड फोल्ड में, यहाँ घुमाव पड़ जाता है, तो यहाँ भी हो सकता है। तरीका एक ही रहता है दोनों का, तरीका दोनों का सेम है। तो ये जो घुमाव हुआ है, इसमें भी यहाँ पर जो ही हम गन को यहाँ लाएंगे, यहाँ गन आकर के अटक गई, अब साहब अंदर जा ही नहीं रही है। तो उस सूरत में जो अनुभवी होते हैं वो इस फोल्ड को सेट कर देते हैं अंगूठे और अंगुलियों की मदद से, और सेट करके गन को इजीली अंदर पास कर दिया जाता है, इंटरनल लॉस के जस्ट अंदर सीमन डिपॉजिट कर दिया जाता है। लेकिन जहां ये नहीं होता वहां ये उपाय पशु चिकित्सक करते हैं। फिर तीसरा उपाय कौन सा रहेगा कि साहब कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे को हम गैबिन कैसे करें? तो उसको गैबिन करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, जिस नस्ल की वो गाय है, जिस नस्ल की वो भैंस है, उसी नस्ल की, एक्चुअली ये क्रॉस ब्रीड गायों में ज्यादा होता है, भैंसों में कम होता है, तो जिस नस्ल की वो गाय भैंस है उसी नस्ल का भैंसा यानी कि बुल इस्तेमाल किया जाएगा। और बुल का जो सीमन होता है वो एक्चुअली इतनी ज्यादा मात्रा में आता है, और आपको सभी को पता है कि डिस्चार्ज के विपरीत अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है, पर ये दोनों हॉर्न है, ये ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब आपको सब साफ नजर आ रही है, तो अंदर से जो डिस्चार्ज आ रहा है उस डिस्चार्ज के विपरीत वो गति करता हुआ यहां इस फोल्ड को भी पार करके अंदर चला जाता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको आप समझ लीजिए। तो यहां कई सोचते हैं कि सर फिर हम भी यहीं छोड़ दें, तो हमारा जो सीमन, स्ट्रो वाला सीमन है, स्पर्म है, क्या वो भी गति कर लेगा? हाँ, कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 100% में मना नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन ये करता नहीं है, क्योंकि संख्या जो है, संख्या बल कम है, इस वजह से ये हो नहीं पाता है। ये कई बार जो है हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर फोल्ड पार नहीं हो रहा तो कई बार यहीं, भाई कई लोग तो कहते भी हैं ना कि भाई यहाँ मिड सर्विक्स में ही डिपॉजिट कर दो, तो मिड में कर किया जा सकता है और डिस्चार्ज के विपरीत गति करके अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, रिजल्ट वाइज देखें, तो रिजल्ट इसका कम मिलता है। जब तक गन पूरी पास नहीं होगी, इंटरनल ओस को पार नहीं करेगी, तब तक रिजल्ट मिलने की संभावनाएं कम रहती है, शून्य नहीं रहती लेकिन कम रहती है। तो आप अच्छी तरीके से इन सब चीजों को अगर हैंडल करते हैं तो भाई केंग्ड सर्विक्स वाली, यानी फोल्डेड यानी मुड़ी हुई सर्विक्स वाली, जिसमें गन नहीं जा रही है, उसको भी आप प्रेग्नेंट कर सकते हैं।